जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अपेंड क्वेरी पढ़ने वाले हैं। ये अपेंड क्वेरी होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम आपको पता ही है टेबल क्रिएट करना है एमएस एक्सेस में, अगर हम लोग सिमिलर टेबल क्रिएट करते हैं, सिमिलर टेबल का मतलब ये हुआ कि अगर पहले में आपने आईडी लिया है, स्टूडेंट नेम लिया है, कोर्स लिया है, फी लिया है, तो दूसरे टेबल में भी सेम हेडिंग आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों टेबल बनाने के बाद आप डिजाइन व्यू पे उसका डाटा सेट व्यू काम कर लीजिए, करने के बाद सेव करके सब क्लोज करिए। आपको जाना है क्रिएट में, और डिजाइन क्वेरी में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको मेन टेबल सेलेक्ट कर लेना है, पहला इसको इसमें ऐड करना है और अटेंड क्वेरी करना है। इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पहले टेबल में सिर्फ तीन लोगों का डाटा बनाया और नंबरिंग कर दिया 1 2 3, जैसे तीन लोगों का नाम हो गया शिवम, दिव्यांशु और आदर्श। तीन लोगों का डाटा मैंने बना लिया किस टेबल में, फर्स्ट टेबल में, और सेकंड नंबरिंग भी मैंने ऐसे की है, सीरियल नंबर 1 2 3 ही डाला है, और सेकंड टेबल में नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर ली है, पहले टेबल में कितना कर लिए, तीन कर लिए, और सेकंड टेबल में कहां से स्टार्ट किया जाए, फोर से, फोर में माने ऋषि हो गए, याहिया हो गए, फाइव हो गए, और एक और नाम हो गया सिक्स में नाजिया हो गई, और सेवन में श्वेता हो गए। कितने टोटल हो गए हमारे पास डाटा, सात हो गए, लेकिन दो डाटा अलग अलग व्यक्ति में है क्योंकि टेबल वन में सिर्फ तीन लोग हैं और टेबल टू में चार लोग। अब हमको अपेंड जो क्वेरी होती है उसकी मदद से हमको क्या करना है, दोनों डाटा को क्या करना है, आपस में जोड़ के देखना है, यानी कि दोनों का डाटा किसी एक ही टेबल में लाके देखना है, तो क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी का यूज करते हैं। आइए सीखते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एट यूजुअल जैसे काम करते हैं, विंडो प्लस आर करके अपना एमएस एक्सेस ओपन करेंगे और हम लोकेशन कर लेते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल को क्या कर लिया जाए, डिजाइन व्यू कर लिया जाए और ओके, टेबल वन ही रहेगा। प्राइमरी को बंद कर लीजिए, अभी प्राइमरी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, प्राइमरी को बंद करिए। यहाँ आईडी ऑटो नंबर नहीं रहेगा, क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, ऑटो नंबर कब रखते हैं, आपको तो ये बात पता है कि जब प्राइमरी रखते हैं तब ऑटो नंबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आईडी के बाद क्या ले लीजिए, यहाँ पे स्टडी नेम, स्टडी मतलब स्टूडेंट का नाम हो गया, शॉर्ट टैक्सी रहने दीजिए। उसके बाद क्या रख दिया जाए, एड्रेस, चलिए एड्रेस ले लिया जाए, AWDREWS एड्रेस, एड्रेस में भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद अब फी में क्या लेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ऋषि बताइए, डाटा टाइप में क्या लेंगे आप, नंबर रहेगा, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू, सिट डाउन, ट्रैक पे आ गए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या लेंगे हम, और इसको क्या कर देंगे, अब सेव कर दिए, और अब जाइए कहाँ पे, डाटा शीट व्यू में, और टेबल क्रिएट कर लीजिए, वन कर दिए, टैब, क्या नाम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे पहले शीट पे नाम लिख दिया जाए शिवम का, शिव कुबेर आसान है ना, केवीएस, कोर्स आपका डीसीए है, और फीस आपकी 12,000 से, तब दूसरा नाम हो गया कौन है बगल में, दिव्य, दिव्या नहीं करो, दिव्य करो, ठीक है, दिव्य, ठीक है, दिव्या नहीं करूंगा, दिव्य हो गया, दिव्य भी तो नाम लड़के का है, अरे ठीक है भाई, इसीलिए ये नहीं लगाया हूँ ताकि उसको बुरा ना लगे, अब तुम उसी में पहुंचाना चाहते हो, तुम देख रहे हो ना, एडीसी कर दे रहा हूँ, 13,500 आपका हो गया। एक नाम आदर्श का है, नंबरिंग हो गई तो अर्श कर दें, अर्श हो गया, और इनका पीडीआर हो गया, और कोर्स डीएफए कर दिया मैंने, 9,000 फीस कर दी इनके, ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब इसको हम क्या कर दिए, सेव करके इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। एक और टेबल बनाना है ना, क्रिएट पे गए, टेबल डिजाइन पे क्लिक किया, टेबल टू है, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, आईडी, आईडी में क्या लेंगे, नंबर, फिर क्या रहेगा, स्टडी नेम, स्टडी नेम हो गया, इसमें भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, और उसके बाद क्या है, एड्रेस, उसमें भी क्या लेना है, शॉर्ट टेक्स्ट लेना है,
और उसके बाद से आपका हो जाएगा कोर्स। कोर्स हो गया क्या? कहाँ से ट्रिप पहुंच जाएगा? थोड़ा खाना कम खा के आया करो, क्या ले लेंगे नंबर, इसको भी सेव कर दिए। अब कहाँ जाएंगे? यस ठीक है ओके टेबल टू यस जी बिल्कुल। प्राइमरी की इसमें डिफाइन हो गई है, इसमें है डिफाइन है ना, इसको क्या करेंगे हम? प्राइमरी को बंद करेंगे और इसको क्या करेंगे? नहीं प्राइमरी की नहीं चाहिए हमें भाई, ठीक है टेबल वन में भी आ जाइए, यहाँ तो है ही नहीं, क्यों टेबल टू में आइए। टेबल टू में आने के बाद से क्या करना है? अब आप अपना काम करिए, क्या वहां थ्री तक हुआ था? फोर ऋषि पीडीआर कोर्स डीसीए 13,500 रुपए। उसके बाद से हो गया याहिया, क्या एड्रेस है ये तुम्हारा? सूर्यनगर। क्या है तुम्हारा कोर्स? एडीसीए कोर्स कौन? हाँ अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं कोर्स पूछा ना जी। हाँ सही है स्पेलिंग भाई, ये नहीं है तुम्हारा भी ऐसा हो गया कोर्स डीसी कर देते हैं। और श्वेता का एडीएफ कहाँ है? पीडीआर कर दे। अच्छा एडीएफ लिख दिए क्या? श्वेता एडीएफ है। अरे यार मैं एकदम आज गड़बड़ हो गया पूरा, यहाँ नहीं यहाँ तो एड्रेस रहेगा ना, पीडीआर कर दिया एडीएफ है और यहाँ 15,000 शुल्क हो गए। और इसको भी मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। और क्या करें? बंद कर दिया सब। सब बंद हो गया। कहाँ जाना है बच्चों? उसके लिए क्रिएट में कहाँ जाना है? अब आप टेबल चेक को क्या करिए? ऐड करिए, क्लोज करिए, उसको पूरा सिलेक्ट करके क्या करना है? ड्रैग करके फील्ड में हो गया। अब आप कहाँ जाइए? अपेंड क्वेरी में, अपेंड में ठीक है। और यहाँ आप ले लीजिए किसको अपेंड करना है आपको, टेबल टू में ना, जो यहाँ लेना था उसी में कर देगा, इसमें अपेंड हो जाएगा इसमें टेबल टू में। ओके कर दिया। और तो क्या करेंगे? सेव करेंगे ना कि रन करा दें? यस। और इसको क्या करेंगे? राइट क्लिक करके सेव कर देंगे पहले, और इसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। चलिए तो टेबल वन की टेबल टू, टेबल टू ना इसी में आया ना, टेबल टू को ही लिए ना। अगर टेबल वन में करना है तो क्या करेंगे? जो वहां जहाँ टेबल वन सेलेक्ट करें वहां टेबल टू कर देंगे, और वहां टेबल वन ले लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करना है। मैंने टेबल टू में लेकिन सारा नाम ऐड हो गया क्या? अच्छा मैंने नंबरिंग दो बार कर दी थी, इसका भी यस कर दिया, छह ही कर दिया था लग रहा है, इसीलिए 6-6 आ रहा है। और जो रूट था क्या टेबल में, तो आईडी तो आपके ऊपर है, मिटा के भी आप लिख सकते हैं ना सर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कैसे टाइम लगेगा? जब ऑटो नंबर लगते हैं तब तो मिटा नहीं है, मिटाना ही तो आसान है, उतना प्रोसेस करने से बेहतर क्या? तो जब मिटाना आसान है उतना प्रोसेस करना आसान है। तो भाई उसके लिए तो वही ऑप्शन तो बताया ही है, लेकिन उस तरह प्राइमरी वाला काम करना, एक बच्चे को करना है प्राइमरी वाला काम करना, मिटाना सही है कि वो सही है? हाँ तो वही कर रहा है कि किस लिए वो करने जाएंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए काम हो गया हमारा सारा, कोई दिक्कत है क्या? यही आपका क्या है? पेंट क्वेरी है, देख रहे ना आ गया ना टू में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप भी नोट करिए, आप लोग भी नोट करिए, नोट करिए। सबसे पहले क्या कि दो टेबल बनाना है, पहले एक हेडिंग बना लीजिए सबसे पहले, अपेंड क्वेरी, ए डबल पी ई एन डी अपेंड क्वेरी।
बना लीजिए अपेंड क्वेरी। हो गया अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी हो गया। अब लिखिए तो बच्चों जो बोल रहा हूं मैं, लिखिए एमएस एक्सेस में अपेंड क्वेरी का उपयोग उस समय किया जाता है, अपेंड क्वेरी का प्रयोग या उपयोग उस समय किया जाता है जब हमें एक जैसे दो टेबल के डेटा को किसी एक पार्टिकुलर टेबल में ही दिखाना होता है। मैं सेंटेंस भूल जाऊंगा क्योंकि सेंटेंस बना के बोलता हूं, सुनिए ध्यान से। एमएस एक्सेस में अपेंड क्वेरी का उपयोग हम उस समय करते हैं जब एक जैसा दो टेबल के डेटा को किसी पार्टिकुलर टेबल में शो कराना हो। तो मतलब अब शो कराने का मतलब क्या है, दोनों टेबल के डाटा को आपस में क्या कर देना, लिख लीजिएगा। इतना स्लो चलोगे कैसे काम चलेगा यार, तीन बार बोल चुका मैंने। बोला एमएस एक्सेल में अपेंड क्वेरी ऑप्शन का उपयोग उस समय किया जाता है जब एक जैसा दो टेबल के डेटा को किसी एक पार्टिकुलर जगह पे शो कराना हो। और एक जैसा समझिएगा, पार्टिकुलर का यहाँ क्या मतलब है लिख लीजिएगा डैश करके स्लैश करके, कि दोनों टेबल के डाटा को एक साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लिख लीजिएगा द डाटा ऑफ बोथ टेबल क्या होगा, ऐड टुगेदर। द डाटा ऑफ बोथ टेबल ऐड टुगेदर, एक साथ क्या करना है, जोड़ देना है। हो गया, क्या करना है, जोड़ देना है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ गया समझ में। अब देखिए क्या बोले, लाइन लास्ट लाइन क्या बोले बाबू, बोलो या लास्ट लाइन क्या बोले, बोलो। शो कराना होता है ना, दोनों को एक साथ शो कराना होता है ना, ठीक है। तो अपेंड क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो अपेंड क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। हो गया। अब लीजिए डाटा बना लीजिए कैसे, जैसे एक्सेल में आपको हेडिंग बनाते थे, क्या क्या बनाना है, आईडी लिखिए, आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद से एड्रेस, कोर्स और फी लिख लीजिए पहले, और सामने भी लिखते जाइएगा। आईडी के सामने क्या लेना है, नंबर, बाकी के सामने टेक्स्ट, और फी के सामने नंबर लिख लीजिए। तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये सब जरूरी होता है। अभी आसान लग रहा है, बाद में अगर प्रैक्टिस में नहीं रहता तो चीजें भूल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग नोट किया करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हो गया, तो दोनों डाटा बन गया। अब क्या कैसे बनाएंगे आप लोग, स्टार्टिंग के एक दो तीन तीन पॉइंट किसमें बना लेंगे, फर्स्ट टेबल में बना लेंगे, और चार से बाकी जो सीरियल नंबर होंगे वो दूसरे टेबल में स्टार्ट कर लेंगे। समझ में आ रही बात ना, तो नहीं होता एक जगह फॉर्मेट बना लीजिएगा, टेबल वन पे 1 2 3 बना लिया है टेबल, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे मान लीजिए, मैं बता दे कैसे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा कि टेबल वन पे क्या करना है, 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, और टेबल 2 पे क्या करना है, 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 3 था, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब दोनों डाटा को डेट जोड़ना है तो क्या करेंगे,
तो सबसे पहले सब क्लोज करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आपका खुला हुआ है, आपको कहाँ जाना है लिखिएगा, कहाँ जाना है उसके लिए आपको जाना है क्रिएट पे, कहाँ जाना है लिखिए क्रिएट पे, लिखिए क्रिएट पे, ग्रेटर देन का सिंबल लगा लीजिएगा आप लोग, ऐसे लिखना है ठीक है, क्रिएट पे, क्रिएट पे जाने के बाद कहाँ जाना है आपको, क्वेरी डिजाइन पे, मैं एक और ध्यान करके दिखा रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ, देखिएगा ये बंद कर दे रहा हूँ सब, ठीक है सब बंद हो गया ना। अब देखिए क्रिएट पे लिखिए क्वेरी डिजाइन पे, यहाँ वो टेबल सेलेक्ट करेंगे जिस पे शो कराना है, नहीं सॉरी जिसको ऐड करना है किसी में, जैसे हम टेबल वन को ले रहे थे तो टेबल वन टेबल टू में ऐड हो रहा था ना, इस पर क्या ले रहे हैं हम टेबल टू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं टेबल टू ले लिए, उसको क्या कर दिए क्लोज कर दिए, वन नहीं वन उस वाले में सेंड किया जाए पहले वाले में, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, पूरे डाटा को क्या करेंगे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे, अब क्या करेंगे जो भी आपके फील्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, कहाँ फील्ड वाले में, या तो है ना फील्ड वाले में क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लिख रहे हैं रुक से, हो गया बाबू, हो गया आप लोग का। अब देखिए अब कहाँ क्लिक करना है आपको, अपेंड क्वेरी पे, कहाँ क्लिक करना है अपेंड क्वेरी पे, यहाँ कौन सा टेबल सेलेक्ट करेंगे बच्चों, क्या लेंगे यहाँ पे, टेबल वन ले लिया, यहाँ टेबल टू ले लिए थे, यहाँ क्या ले लिया टेबल वन ले लिया, अब किस पे डाटा इंसर्ट हो जाएगा टेबल वन पे, लेकिन ऑलरेडी क्वेरी थी चाह रहा था इस क्वेरी को रीड करके काम करना, हमने गड़बड़ किया, देखते हैं हो जाता है कि नहीं हो जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं, उसको क्या करेंगे रन करा देंगे और यस कर दिए, देखिए क्योंकि चीजें रिपीट करेंगे ना उसपे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इस क्वेरी को डिलीट करा था, इस क्वेरी को क्या किया जाए क्लोज कर दिया जाए, नहीं चाहिए, और इसको क्या कर दिया बंद कर दिया, क्वेरी बंद हो गई, एक क्वेरी भी क्या कर दिया जाए डिलीट कर दिया जाए, अब तो मान लो ऐड हो गया सारा ना, दिक्कत ये है कोई दिक्कत नहीं, अब ऐड हो गया तो ऐसे आप डाटा ऐड कर लेंगे, अब मान लो उसको दोनों उठाना दोनों को ऐड करा था, उसको 1 2 3 रिपीटेशन नहीं हो जाएगा, मान लो 2 पे मान लो पहले पहले टेबल से 1 2 3 था ही पहले, और दूसरे पे क्या था 4 5 उसमें भी 1 2 3 था, वही रिपीट कर गया है, वही रिपीट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पहले ही क्वेरी डिलीट करनी चाहिए थी, कोई दिक्कत, तो ऐसे ही नंबर कह लेंगे, ये याद रखिएगा किसमें ऐड करना है ये पहले है, तो जिसमें ऐड करना है उसको लास्ट में लेना है अपेंड क्वेरी में, जिसमें शो कराना है उसको लास्ट में लेना है, और किसको ऐड करना है उसको पहले लेना है, तो दूसरे वाले को पहले लिया जाएगा, दूसरे टेबल को क्या किया जाएगा पहले लिया जाएगा, और पहले टेबल को अपेंड के बाद, अपेंड पे सिलेक्ट करने के बाद ही लीजिएगा कि पहले दूसरे टेबल को लेंगे और बाद में अपेंड पे जब क्लिक करेंगे तब पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जब अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे तब पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले क्या लेंगे दूसरे टेबल को ऐड करेंगे, हाँ बस उल्टा, लेकिन हाँ सिस्टमेटिकली काम किया जाएगा, जैसा करना है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को कुछ पूछना है, नहीं बाबू अरे यार नंबरिंग तो सही रहेगा, 1 2 3 ही आएगा, ये गड़बड़ नहीं हो गया, क्योंकि मान लो दूसरे पे क्या था 200 उड़ा रहा था उसमें 1 2 3 काउंट हुआ है ना, आप पहले 1 2 3 ऑलरेडी है तो दो दो बार नहीं लिखेगा, मतलब पहले बार हम लोग किए होते ना तो डाटा सही आया था, यही कहने का मतलब था, कहाँ प्राइमरी वाला भी कुछ बताया, प्राइमरी थोड़ी अभी तो नॉर्मल बंद किया, ये तो हाथ से लिखना, अभी प्राइमरी वाला कुछ बताया ही नहीं, प्राइमरी वाला पहले बता चुके हैं, प्राइमरी की अब जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बंद कर दिया प्राइमरी, बंद करके काम कर रहा है, कहाँ प्राइमरी ऑन है, ये स्टार्ट तो बता रहा है कि अगला कॉलम लिखिए, हो ये कह रहा है यहाँ कुछ काम, अरे तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या बताओ, इसमें यहाँ पे लिखिए अभी स्टार हट जाएगा, या कुछ भी टाइप करिए, अब इसके बारे में स्टार अगले लाइन में शिफ्ट हो गया, उसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है बात हो गई, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यही था एमएस एक्सेस का पॉइंट, कल के चैप्टर में हम कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे,
अब जल्दी ही खत्म होगा, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप के बारे में, मतलब कि इनमें रिलेशनशिप करना हो तो कैसे हो, वही हमको लग रहा है ये सैटरडे उसी से रहेगी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म कर दिया जाए इसको, ठीक है, फिर आगे स्टार्ट किया जाए क्या आउटलुक, उसके बाद से और कंप्यूटिंग का, और कंप्यूटर तो देखिए यहाँ पे एक दो दिन का टॉपिक है, और फिर आपका ऐसे खत्म होता जाएगा, फिर आपका आ जाएगा क्या फोटोशॉप प्रो राजो भी ये सब चीजें, ठीक है, पहले लैंग्वेज वाला काम करना है। आप ना कल काम करिए, 8 बजे बैच में आके पढ़ लीजिए, कल कल चलने वाला टॉपिक है सबमिट, ठीक है, सीपीयू, हाँ सीपीयू के पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, सारे पार्ट्स अलग कर लीजिए फिर जुड़ जाए, कल की क्लास में आके पढ़ लीजिए, ठीक है, हाँ हम ही पढ़ा रहे हैं, आज पहला दिन था, कल आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खत्म हो जाए, बार बार आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, तो आप कल आके पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक, कल की टॉपिक हमारी होगी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मजा आने वाला है कल की टॉपिक में, ठीक है, थोड़ी ठंड बढ़ गई है आपको, थोड़ा सा कवर अप करके रखिए, कानून में कुछ पहनिए, ठीक है, फैशन ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप अच्छे दिखते हैं।